देखिए बाजरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 9.5 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। विशेष रूप पर यहाँ पर देसी बाजरा की खेती होती है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देश की तुलना देखते हैं तो लगभग पूरे देश में जो बाजरे की उत्पादन होता है उसका 30% केवल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से होता है। उसको ध्यान को रखते हुए इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना करने का विचार आया, भारत सरकार को प्रपोजल दिया, भारत सरकार ने उस प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान की। उस बाजरे के प्रोडक्ट से अपन लोग प्रयास करना है, पहले तो ग्रेडिंग करना है, मीडियम दाना फर्स्ट दाना सारा ग्रेडिंग होकर के मार्केट में उसकी एक अच्छी कीमत हमको प्राप्त हो सके, साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग करने के लिए अगर बाजार में अपन लोग देखते हैं बहुत सारे फास्ट फूड आते बिस्किट आते, लेकिन बाजरे के साथ से अगर हम बिस्किट बनाते हैं या और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अधिक है देसी बाजरा में, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस दृष्टि से बाजरे का बिस्किट बनाने का, बाजरे का सकल पारा बनाने का और बाजरे का पफ बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ हमको कृषि विज्ञान केंद्र जो ये काम करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ के जनपद के जो कृषक हैं उनको प्रशिक्षण देकर के, चाहे आपका FPO चाहे SHG हो चाहे किसान क्लब हो, वो लोग यहाँ आकर के अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। मिनिमम दर पर जो बिजली का खर्चा या मिनिमम दर पर उनसे पैसा लिया जाएगा और शेष वो, जैसे आजकल भारत सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कर रही है, तो यहाँ का बाजरा एक मेन क्रॉप है। ये 2,61,00,000 रुपये भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है। कृषि विज्ञान केंद्र दाता में ये पूरा सेटअप लगाया जाना है जिसमें बाजरे का मैंने आपको बताया, साथ ही साथ अनार का प्रोसेसिंग होना है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो दाना होता है वो दाना कलर के हिसाब से ग्रेडिंग होना है और ग्रेडिंग होने के बाद उसके पास 2-3 प्रोडक्ट बनाना है, जैसे अनार का जूस बनना है, अनार का जैम बनना है, अनार की जेली बननी है, अगर ज़रूरत पड़ने पर वाइन का भी प्रावधान है। देखिए अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की इनकम की बात करते हैं, अनार का जो क्षेत्रफल है लगभग 7,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है। अगर क्यूमिन का अपन लोग यहाँ पर देखते हैं तो 2 लाख हेक्टेयर में क्यूमिन होता है और बाजरा देखते हैं तो हमारे 9.5 लाख हेक्टेयर पर बाजरे की खेती होती है, जिससे इस जनपद से अरबों रुपये की इनकम होती है और ये पैसा नज़दीक के जनपद या राज्यों में चला जाता है, उनके नाम से वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, सब कुछ व्यवस्थाएँ की जाती है। अब हम लोग यहाँ बाड़मेर से सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद, और जहां तक मेरा अनुमान है जो हमारी इनकम हो रही है वहां लगभग 1.5 गुना इनकम तक हमारी प्राप्त हो सकती है।